दिशा और आज हम लोग करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 10 विच इज मेंसुरेशन। ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस के बारे में, किसी चीज़ के एरिया के बारे में, किसी चीज़ के बाउंड्री के लेंथ के बारे में, इस टाइप के हमारे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो पहले हम लोग पेरीमीटर समझेंगे कि पेरीमीटर होता क्या है। ओके, सो पहले पेरीमीटर समझते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है। मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं आपका एक क्या है, एक मतलब एक स्क्वायर, एक पार्क है आपका, ठीक है। पार्क के अलोंग में उसके बाउंड्री पे यहाँ पे मान लीजिए ये आप हो, ठीक है। सो आप पार्क के बाउंड्री के अलोंग में पूरा ऐसे वन राउंड लगाते हो। ओके, एंड फिर कोई आपसे पूछता है कि आपने यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो आप कैसे करोगे? तो उसको करने के लिए आपको मतलब यहाँ पे पहले आपको क्या दिया रहेगा, एक मतलब एक साइड का मतलब पार्क तो स्क्वायर है, तो अगर एक साइड की लेंथ हमारी 5 है तो सारे साइड की लेंथ हमारी 5 हो जाएगी, है ना। सारे साइड की लेंथ 5 हो जाएगी, 5 meters, 5 meters, 5 meters and 5 meters। तो जब आप इस पर पूरे मतलब एक स्क्वायर एक पार्क में चलोगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों साइड्स को आपको प्लस कर देना पड़ेगा, ठीक है। आप जब इन चारों साइड्स को प्लस कर दोगे, 5 + 5 + 5 + 5 कर दोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा जो हमारा हो जाएगा 20 meters। ओके, सो इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने पार्क के अंदर नहीं चला, यहाँ पे आपने इसमें आपने कहाँ चला, सिर्फ पार्क के बाउंड्री में चला, ठीक है। सो पेरीमीटर इसी को बोलते हैं, व्हेन अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री ऑफ एनी प्लेन फिगर, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। ओके, मान लीजिए यहाँ पे आप यहाँ से चले, ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ पे चल दिया आपने पूरे इस स्क्वायर पार्क में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितने भी इसका साइड्स होंगे उन सबको आप जब प्लस कर दोगे तो आपको इसका पेरीमीटर पता चल जाएगा, इसका मतलब डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री पता चल जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ही आप सारे शेप्स के निकाल सकते हो, जैसे कि अगर आपका कोई ट्रायंगुलर पार्क है तो उस पर अगर मतलब उसका एक साइड दिया हुआ है 5, तो फिर सारे साइड 5 होंगे, क्योंकि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिसके ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो उसका अगर 5 आपको एक साइड का दिया होता है, दिया होगा अगर उसका मतलब लाइक डिस्टेंस दिया होगा, तो आप आपका सारे साइड्स का डिस्टेंस 5 हो जाएगा। और अगर आप इस पूरे मतलब ट्रायंगल में से चलते हो तो इसका हो जाएगा 5 + 5 + 5, इसका पेरीमीटर हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री। वैसे ही हम अपने रेक्टेंगल का भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं जिसका हम निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक शेप है, ठीक है, सो इसका भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको इन सारे साइड्स के लेंथ दी रहेगी तो आप इन सबका निकाल सकते हैं, इन सारे साइड्स को प्लस करके आप इसका डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऐसा फिगर दिया होगा जो लाइन सेगमेंट का होगा, उसका आप इस तरीके से नॉर्मली निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने नॉर्मली देख लिया कि अगर आप सारे साइड्स को प्लस कर दोगे तो आपका डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री आ जाएगा। लेकिन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एंड बहुत अलग अलग टाइप के स्पेसिफिक शेप्स होते हैं जिनको निकालने के लिए हमें सारी साइड्स को प्लस करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब उसमें क्या होता है ना, एक फॉर्मूला हमको दे दिया जाता है, ठीक है, जिससे आपका जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है 5 meters का, लेकिन कहीं पे आपको 1000 किलोमीटर, 1226 किलोमीटर ऐसे ऐसे करके बहुत बड़े बड़े नंबर दे दिए, तो आप सारे साइड्स के मतलब इसी के अगर आपको यहाँ पे 1000 दे दिए, यहाँ पे 2000 दे दिया, ऐसे करके आपको बड़े बड़े नंबर्स दे दिए, तो आप रात भर तक प्लस ही करते रह जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसीलिए नॉर्मल सा हमारे लिए मतलब मैथ को ईजी करने के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन को कुछ स्पेसिफिक शेप्स हैं जिनके हमको क्या दे दिए गए हैं, फॉर्मूला दे दिए गए हैं उसको इजी करने के लिए, उस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स सी आवर फॉर्मूलाज अबाउट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पेरीमीटर्स एंड उसके फॉर्मूलाज डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक शेप्स के, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो अभी हमने देखा कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है डिस्टेंस अलोंग द
बाउंड्री. ओके, सो आप ये डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री आप इसको समझ जाओगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पेरीमीटर ईजी हो जाएगा. ठीक है, सो बस आप एक कीवर्ड याद कर लो, डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री. बाउंड्री का जितना डिस्टेंस होता है उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं. ओके, सो पेरीमीटर, अब हम उसके फॉर्मूलाज देखने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के. ठीक है, सो इस चैप्टर में सिर्फ हमको तीन शेप्स के बताए हैं, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया एंड ट्रायंगल. ट्रायंगल भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. ओके, जैसे कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है एंड इस टाइप का ट्रायंगल होता है. ठीक है, एंड यहाँ पे भी होते हैं जिसके दो साइड इक्वल होते हैं एंड एक साइड इक्वल नहीं होता है, तो अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं. लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की. ओके, सो व्हाट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसके सारे साइड्स एक दूसरे से क्या हो, इक्वल हो. ठीक है, जिसके सारे साइड्स एक दूसरे से इक्वल, मतलब तीनों तीनों साइड्स सेम टू सेम हो. जैसे कि अगर ये थ्री है तो ये दोनों भी थ्री होंगे. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो पहला हमारा कौन सा शेप है? पहला हमारा शेप है स्क्वायर. ओके, सो स्क्वायर का हमारा क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर फाइंड करने के लिए? तो स्क्वायर का हमारा बहुत ही इजी सा फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा 4 इंटू एस, और वी कैन से 4 इंटू साइड. ठीक है, 4 इंटू साइड. अब इसका मतलब क्या हो गया, 4 इंटू साइड, इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए आपको ये जो आपका स्क्वायर है, अगर आपको इसमें से सिर्फ एक साइड गिवन है, एक साइड मतलब मान लीजिए अगर इसमें से सिर्फ ये वाली साइड आपको गिवन है एंड ये वाली जितनी तीनों साइड्स हैं ये आपको नहीं गिवन है, तब आप कैसे प्लस करके फाइंड करोगे? तब तो मतलब लाइक तब आप कैसे इसको प्लस करके फाइंड करोगे? तब बहुत मतलब अगर आपको एक भी साइड दिया ना तो आप सारी साइड्स का मतलब प्लस करके फाइंड कर सकते हो. कैसे? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स तो इक्वल होती है ना, जैसे कि अगर आपको ये 4 दिया है तो ये सारे क्या होंगे, 4 होंगे. ठीक है, सो अगर आपको एक साइड दिया है और आपको इस पूरे लाइक इस पूरे स्क्वायर का आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, तो आप प्लस करके भी फाइंड कर सकते हो. लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ गया तब आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक साइड दिया है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए. मान लो हमको एक साइड दिया है 4 एंड उसमें आपको क्या कर देना है, इंटू 4 कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा. तो 4 4 हमारा क्या हो जाता है, 4 4 हमारा हो जाता है 16. अगर यही हमको क्या साइड दे देता, अगर यही हमको 2 होता, मतलब हमारा साइड क्या होता, 2, तो हमको क्या करना है, साइड के नीचे हमको लिख देना है 2 जो हमारा साइड है एंड उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो 4 2 हमारा क्या हो जाता है, 8 हो जाता है. तो इस पूरे स्क्वायर का पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा. तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे हमको कुछ बड़े नंबर्स दिए हैं तो आपको डायरेक्टली बस साइड यहाँ पे साइड के नीचे वो नंबर लिखना है एंड उसमें इंटू 4 कर देना, तो आपको उसका पूरा पेरीमीटर मिल जाएगा. ठीक है, सो आर नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर को फाइंड करने का? नॉर्मल से अगर आपको छोटे नंबर दिए हैं तब आप इसको प्लस करके फाइंड कर सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में और हर जगह आपको हर जगह प्लस नहीं करोगे, आपको हर जगह ये फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा, चाहे आपको प्लस करके आता हो तब भी आपको ये फॉर्मूला करना पड़ेगा. ठीक है, सो ये क्या होता है, एक ऑफिशियल मतलब एक वे बन जाता है ना कि इसी से आप इसको शो करो. प्लस करके शो करोगे तो अच्छा नहीं दिखता उतना. ठीक है, मार्क्स गेनिंग नहीं दिखता है. तो अब रेक्टेंगल का क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला? रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी. ओके, सो ये इसका फॉर्मूला होता है. तो इस फॉर्मूला को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं. इस फॉर्मूले का मतलब होता है, यहाँ पे पहले आपको एल और बीच में प्लस का साइन और बी लिखा हुआ है. तो एल और बी यहाँ पे क्या है, एल और बी यहाँ पे हैं लेंथ एंड ब्रेथ. ओके, सो लेंथ क्या होता है, लेंथ एक रेक्टेंगल में हमारा जो ये लॉन्ग साइड होता है उसे हम बोलते हैं लेंथ एंड जो हमारा शॉर्ट साइड होता है उसे हम बोलते हैं ब्रेथ. ओके, सो आपको अगर रेक्टेंगल का फॉर्म मतलब आपको अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो आपको क्वेश्चन में ऑब्वियसली दिया होगा लेंथ या दो लेंथ एंड ब्रेथ आपको दोनों दिया होगा. तो आपको मान लीजिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको लेंथ दिया हुआ है, लेंथ आपको दिया हुआ है 3 एंड देन आपको ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ इज इक्वल टू 1. ओके, 3 आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ आपको दिया हुआ है 1. तो आपको क्या करना है, लेंथ की जगह लेंथ वाला नंबर लिख देना है जो आपको 3 दिया हुआ है,
फिर प्लस का साइन डालना है, देन आपको ब्रेथ जितना दिया है वो लिख देना है, देन इसे ब्रैकेट में कर देना है या फिर टू लिख देना है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको जो ब्रैकेट में दोनों आपने लिखा है 3 + 1, आपको इन दोनों को प्लस कर देना है। तो 3 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ इस टाइप का बन जाएगा 2 (4), तो इस टाइप का आपको कुछ बन जाएगा। तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आपको 2 और 2 and 4 को आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। सो आपको पहले प्लस करना है LNB को और 2 एज इट इज़ लिखने जाना है, उसके बाद जब 2 एंड यहाँ पे आपको मतलब जो L + B का आपको आंसर मिल जाएगा, उन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो जब हम 4 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का मतलब जो हमारे रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ओके। सो आपको ऐसे ही फाइंड करना है, आपको पहले लेंथ की जगह लेंथ लिख देना है, ब्रेथ की जगह जो ब्रेथ दिया हुआ है वो लिख देना है, फिर लेंथ एंड ब्रेथ को प्लस कर देना है, एंड 2 आपको एज इट इज़ लिख दे जाना है, फिर लास्ट में आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। सो आपका आंसर वहाँ पे आ जाएगा। सो लास्ट इज हम आर रेक्टेंगल ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ओके। हमने अभी स्क्वायर देख लिया, हमने रेक्टेंगल देख लिया, तो लास्ट है हमारा ट्रायंगल एंड वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोई दूसरे टाइप का ट्रायंगल नहीं, सिर्फ जिसके सारे साइड्स इक्वल हों। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, 3 × साइड, क्योंकि इसके 3 साइड होते हैं एंड आपको बस अगर एक साइड भी पता है तो आप उसको 1 साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपको इसका 1 साइड दिया हुआ है 2, तो आपको 3 2 मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 2 6 आता है, तो इसका मतलब 6 हो जाएगा इसका इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर, ओके। सो ये थे हमारे फॉर्मूलाज ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। स्क्वायर का था हमारा 4 × साइड, रेक्टेंगल का है हमारा 2 L + B, देन ट्रायंगल का है हमारा 3 × साइड, ओके। अगर आपको इसे नोट करना है आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज आर अबाउट पेरीमीटर्स, नाउ लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट सब टॉपिक। नेक्स्ट सब टॉपिक इज पेरीमीटर बेस्ड क्वेश्चंस। अब आपके टेक्स्ट बुक में कैसे कैसे टाइप के पेरीमीटर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, अब उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, ओके। पेरीमीटर हमने सीख लिया, कुछ स्पेसिफिक शेप्स के हमने पेरीमीटर के फॉर्मूला देख लिए, तो अब हम देखते हैं कि कैसे उसके क्वेश्चन, उसके पेरीमीटर के ऊपर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आएंगे, ओके। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें आपको इस टाइप का कुछ एक रैंडम फिगर दिया हुआ है, बस आपको इसका क्या करना है, फाइंड पेरीमीटर फाइंड करना है। तब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट यू हैव टू प्लस ऑल द साइड्स, ओके। सो इसमें आपको सारे साइड्स को बस प्लस करना है, क्योंकि ये कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं है जिसका हम लोग लाइक एक फॉर्मूला मतलब निकाल के इसे लगा सकते हैं, प्लस मतलब पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ये क्या है, एक रैंडम सा फिगर है, ये कोई ना तो स्क्वायर है ना तो रेक्टेंगल है, ये रैंडम फिगर है। आपको इसका क्या करना है, नॉर्मली सारे साइड्स को आप प्लस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। सो एक और टाइप का बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आता है, जैसे कि अब क्वेश्चन आ गया कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको लेंथ दिया हुआ है 20 एंड आपको ब्रेथ दिया हुआ है 10 एंड आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर, ठीक है। आपको यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करना है एक रेक्टेंगल का, जब लेंथ और ब्रेथ आ गया तो इसका मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि रेक्टेंगल है। क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा रहेगा कि रेक्टेंगल की बात हम कर रहे हैं, आपको डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए यहाँ पे लेंथ है यहाँ पे ब्रेथ है, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सो अब आपको दिया गया रहेगा यहाँ पे एक लेंथ आपको दिया गया रहेगा एंड ब्रेथ आपको दिया रहेगा, आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है यहाँ पे, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो आप ये कैसे फाइंड करोगे, नॉर्मल सी बात है, फॉर्मूला लगा के इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे, 2 L + B का फॉर्मूला लगा के आप इसको फाइंड कर सकते हो। जैसा मैंने अभी अभी बताया था कि कैसे 2 L + B का फॉर्मूला लगाते हैं, पहले L एंड B को यहाँ पे प्लॉट कर लीजिए, फिर दोनों को प्लस कर दीजिए, उसका जो आंसर आ जाएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। एक और बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा ना, हमारा थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड है पेरीमीटर में, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको क्या दिया रहेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 40 meters, ठीक है। आपको क्या दिया रहेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 40
मीटर्स। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स साइड। अब आपको यहाँ पे उसकी साइड फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ पे आपको स्क्वायर का पेरीमीटर दे दिया गया है, यहाँ पे आपको उसकी साइड फाइंड करना है। तो अब आप इसको कैसे करोगे, सो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको डायरेक्टली पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख देना है। ओके, सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था हमारा, 4 into साइड, 4 into s भी हम इसे लिख सकते हैं, हर जगह साइड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या था पेरीमीटर का फॉर्मूला, 4 into s और साइड। तो अब आपको यहाँ पे पेरीमीटर पहले ही दिया हुआ है 40, तो 40 इज इक्वल टू 4 into साइड। ठीक है, बस आपका यहाँ पे साइड फाइंड करना है ना। तो ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 40/4 इज इक्वल टू साइड। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि 4 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 4 इधर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर दोगे, 4 1 4 4 12 4 10 40, तो आपका साइड कितना आ जाएगा, साइड इज इक्वल टू 10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आपको यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो वही आपको नॉर्मली यहाँ पे करना है फॉर्मूला लिख के। ठीक है, हर जगह यही ऐसे ही तो फॉर्मूला काम आ रहा है। ठीक है, सो ये था हमारा पेरीमीटर बेस्ड क्वेश्चन। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट टॉपिक। सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एरियाज। ओके, सो ये हमारा भी हमने देखा पेरीमीटर क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरियाज। सो एरिया क्या होता है, मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, एंड अगर आपसे पूछा कि इसका आपको एरिया बताना है, सो व्हाट्स एरिया। हमने अभी देखा कि पेरीमीटर मतलब क्या था, पेरीमीटर मतलब इसके बाउंड्री का लेंथ। ठीक है, यहाँ पे हमने इसके बाउंड्री का लेंथ सीखा था पेरीमीटर में, लेकिन एरिया का मतलब क्या होता है, इसके अंदर का लेंथ, मतलब इसके अंदर का जो एरिया इसने ऑक्यूपाई किया है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। मतलब इसके अंदर इसने जितना प्लेस ऑक्यूपाई किया है, मान लीजिए आपके पास क्या, मतलब मान लीजिए ये हमारे पास एक डस्टर है। ठीक है, अब मैं इस डस्टर को यहाँ पे रखती हूँ। ठीक है, सो इस डस्टर ने यहाँ पे नीचे कितना प्लेस ऑक्यूपाई किया है उसी को हम बोलते हैं एरिया। ओके, एंड मान लीजिए अगर मैंने कहीं पे कोई बुक प्लेस किया रखा, तो बुक ने भी तो कुछ एरिया ऑक्यूपाई की होगी ना, तो उस एरिया को, मतलब जो प्लेस उसने ऑक्यूपाई किया उसे हम एरिया बोलते हैं। और एक और भी अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि जो बंगलोज, जो फ्लैट्स और जो प्लॉट बिकते हैं ना, मतलब घर बनाने के लिए, तो उसमें लोग क्या पूछते हैं कि अच्छा भाई ये घर कितने एरिया में बना हुआ है, पूछते हैं ना, मतलब कितनी जगह में बना हुआ है उसी को हम एरिया बोलते हैं। ओके, सो एरिया के भी ना बहुत सारे शेप्स के स्पेसिफिक फॉर्मूलाज होते हैं जो अलग अलग जगह पे काम आते हैं। ठीक है, सो एरिया का हमारा पहला फॉर्मूला, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला होता है साइन इनटू साइड। ओके, अब इसका मतलब क्या हो गया, मतलब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे हमारे को क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया कि इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे, अगर आपको इसमें से एक साइड दी हुई है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे ये मान लीजिए आपको साइड दी हुई है 2, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 into 2 कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 2 into 2 क्या होता है, 4 होता है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर का हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक है, सो साइड इनटू साइड होता है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का होता है L into B। ठीक है, और वी कैन से लेंथ इनटू ब्रेथ। मान लीजिए यही हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसको आपको क्या फाइंड करना है, रेक्टेंगल का एरिया बताना है। ठीक है, सो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पहले ही गिवन रहता है कि लेंथ कितना है, लेंथ मान लीजिए इसका 5 मान लेते हैं, एंड इसका ब्रेथ मान लेते हैं हम लोग 3। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 5 into 3 कर देना है। 5 3 से क्या होता है, 15 होता है, तो 15 हो जाएगा इस रेक्टेंगल का एरिया। ओके,
सो इसी को हम एरिया फाइंड करना बोलते हैं। एंड इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, सो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। ठीक है, सो नॉर्मल इसमें आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। और एक और बात, जब आप नॉर्मली आपने यहाँ पे क्या निकाला, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दिया, तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया में मतलब जिस शेप का भी आप एरिया निकालो उसमें आपको क्या करना है ना, मान लीजिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मतलब यूनिट तो सब में दिया रहता है ना, यहाँ पे मैंने आपको नॉर्मली समझाया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब मान लीजिए यही 2 सेंटीमीटर है एंड आपका आंसर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे छोटा सा 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं इस 2 को। तो जहाँ पे भी आपको एरिया कैसे आंसर मिलता है ना, जैसे यहाँ पे भी आपको एक एरिया का आंसर मिला ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आंसर मिला, तो मान लीजिए यहाँ पे भी हम इसका यूनिट, यहाँ पे सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर है तो इसका आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ पे हमको लिख देना है एक छोटा सा 2, हर आंसर के ऊपर ये छोटा वाला 2 होना चाहिए, बिकॉज ये जो हमारे पास 2 होता है ना, जो किसी भी नंबर के ऊपर लगता है यहाँ पे, मतलब सेंटीमीटर मीटर के ऊपर जो छोटा सा 2 लगता है, उसका हमारा कितना होता है एग्जाम में, 1 मार्क्स होता है। अगर आप वो भी नहीं लगाओगे ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हर आंसर के ऊपर ये छोटा वाला 2 लगाने की ज़रूरत है, और वी कैन से स्क्वायर लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये 2 स्क्वायर इंडिकेट करता है। ठीक है, So, अब हम देखने वाले हैं एरिया के ऊपर कैसे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू दैट सब टॉपिक। सो आवर लास्ट सब टॉपिक इज अबाउट एरिया बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, सब एरिया के ऊपर कैसे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं वो हम देखने वाले एग्जाम में भी एंड आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस में भी। ठीक है, सो पहला हमारा क्वेश्चन बेस्ड आता है जिसे कि आपको दे दिया जाएगा एक लाइक स्क्वायर पेपर दे दिया जाएगा। स्क्वायर पेपर क्या होता है, जिसमें ऐसे स्क्वायर्स बने होते हैं पूरे यहाँ पे पेपर में, इस टाइप का एक पेपर होगा, स्क्वायर टाइप पेपर, एंड उसके अंदर आपको एक फिगर दे दी जाएगी। यहाँ पे हमको कौन सी फिगर दी हुई है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो ऐसे ही आपको एक फिगर दे दी जाएगी। आपको क्या फाइंड करना है ना, इस फिगर का आपको बोला है एरिया फाइंड करना है, और बोला गया है ये जो फिगर है ना, इसका ये जो हमारे पास एक स्क्वायर है वो कितने का है, 1 यूनिट का है। ठीक है, आपको बोला गया इसके अंदर ये जो एक स्क्वायर है वो कितने का है, 1 यूनिट का है, और आपको इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। आपको क्या करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट सारे मतलब स्क्वायर को काउंट करना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपको इन सारे स्क्वायर्स को काउंट करना है और यहाँ पे लिख देना है 8 into 1। अब यहाँ पे 1 क्यों, क्या क्योंकि एक एक स्क्वायर कितने का है, 1 यूनिट का है, तो 8 into 1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, सो ये 8 क्या हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, सो अगर इस टाइप का अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है एंड क्वेश्चन है भी आपके एक्सरसाइजेस में, तब आपको इस टाइप से उसे सॉल्व करना है। अब आपके पास अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम इससे रब कर देते हैं, और आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि आपके पास ये रेक्टेंगल एक दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है इसका लेंथ दिया हुआ है आपको इसका 5, आपको इसका ब्रेथ दिया हुआ है 6, एंड आपको क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, आपको नॉर्मली क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी 5 into 6 कर देना है, एंड आपको इसका आंसर निकाल देना है। तो 5, 6 का कितना होता है, 30 होता है, एंड यहाँ पे जो भी आपको दिया है सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया हुआ है, वो आपको मान लीजिए मीटर दिया हुआ है यहाँ पे हमको। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर का साइन हमेशा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 मीटर स्क्वायर आपको क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, इसके अंदर का एरिया हो जाएगा। ओके, ये नॉर्मल क्वेश्चन दिया था आपको, लेंथ ब्रेथ दे दिया था आपको, बस इसका अंदर का एरिया फाइंड करना था। और अगर आपको किसी स्क्वायर का, मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर का आपको सिर्फ एक साइड गिवन है 2, तो आपको s into s होता है हमारा एरिया फाइंड करना ना, तो आपको 2 into 2 कर देना है। ठीक है, फिर आपका आंसर आ जाएगा 4। इस टाइप के भी क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, सो अब ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे कि आपको मान लीजिए कैसे दिया होगा, इस रेक्टेंगल का क्या दिया होगा, आपको एरिया पहले से ही दे दिया होगा, जैसे कि हमने पेरीमीटर वाले में भी देखा था ना, तो आपको एरिया इज इक्वल टू
300 मीटर पहले ही दे दिया है, एंड आपको लेंथ भी पहले ही दे दिया है 30, एंड उसके बाद आपको मतलब लाइक ब्रेथ पूछा है आपसे, ठीक है ना, आपको इस यहाँ पे ब्रेथ पूछा है, ठीक है, ब्रेथ इज इक्वल टू आपको यहाँ पे पूछा है, आपको एरिया दे दिया है, लेंथ दे दिया, और आपसे यहाँ पे ब्रेथ पूछा, एरिया नहीं पूछा है। तब आप इसको कैसे फाइंड करोगे, तब आपको करना है नॉर्मल, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना है। अब जब L इंटू बी है, इसका मतलब क्या होगा, रेक्टेंगल ही होगा ना, L इंटू बी, लेंथ और ब्रेथ कहाँ आता है, स्क्वायर में तो आता नहीं है, ट्रायंगल में तो आता नहीं है, तो रेक्टेंगल में ही आता है ना, तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लिख देंगे। तो L इंटू बी होता है उसका फॉर्मूला, आपको डायरेक्टली यहाँ पे 300 मीटर लिख लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पे 300 मतलब इसका एरिया तो पहले ही दे दिया गया है ना क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पे 300 लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे नंबर्स को प्लॉट कर देना है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे 30 इंटू बी, क्योंकि ब्रेथ तो दिया ही नहीं है, फिर यहाँ पे 300 लिख देना है। अब आपको यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट स्टेप में 30 को इस तरफ ट्रांसफ़र, तो जब आप 30 को इस तरफ ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा, 30 डिवीजन में आ जाएगा, फिर आपको इसको नॉर्मल कैंसिल आउट कर देना है। तो कैंसिल आउट जब आप इसको कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इसका आंसर आपका आ जाएगा 10 इज इक्वल टू बी, 10 क्या हो जाएगा, इसका ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज आर एरिया एंड पेरीमीटर बेस्ड क्वेश्चन हमने देख लिए सारे, एंड यहीं पे हमारा क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होता है, ठीक है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।